हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में 22वीं एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में परीक्षा नियंत्रण शाखा पर विश्वसनीयता के लिए अहम निर्णय लेने के साथ साथ बीटेक पुराना पाठ्यक्रम के छात्रों को री अपीयर में गोल्डन चांस देने के लिए निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय के डीन एकेडमिक प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने बताया कि आगामी दिनों में विश्वविद्यालय में योगा और जर्नलिज्म के कोर्स भी छात्र कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में 22वीं एकेडमी काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में परीक्षा नियंत्रण शाखा पर विश्वसनीयता के लिए अहम निर्णय लेने के साथ साथ बीटेक पुराना पाठ्यक्रम के छात्रों को री अपीयर में गोल्डन चांस देने के लिए निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय के डीन एकेडमिक प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने बताया कि आगामी दिनों में विश्वविद्यालय में योगा और जर्नलिज्म के कोर्स भी छात्र कर सकेंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रोफेसर चंदेल ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय आने वाले समय में सभी महाविद्यालयों की रैंकिंग करेगा एवं हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक महाविद्यालय का अपना शोध प्रयोगशाला हो। चंदेल ने कहा कि शोध को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय काम करेगा और इसके लिए तकनीकी विश्वविद्यालय कैंपस में शोध केंद्र स्थापित किया गया है ताकि तकनीकी खामियों को पूरा किया जा सके और पीजी कोर्सेज वाले कॉलेजों में शोध का काम भी किया जाएगा। इस वक्त जो है सारा इसका एजेंडा रखा एकेडमिक काउंसिल का, जिसमें 57 जो थे वो एजेंडा आइटम्स थी। उन 57 जो एजेंडा आइटम जो थी उनको अकादमिक काउंसिल ने बीओजी के लिए अनुमोदित किया, जिसमें मैं मुख्य रूप से ये कहूँगा कि जैसे हमने अभी योगा का विषय शुरू करना है, अभी हमने जर्नलिज्म का जो विषय जो है शुरू करना है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, एक वर्ष का दोनों का है। इसमें 30-30 सीटें इन कोर्सेज के लिए रहेंगी, ऐसा अकादमिक काउंसिल ने आगे इसके लिए अनुमोदन किया। साथ ही साथ जो विभिन्न विषय हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं, फार्मेसी के प्रोग्राम हैं, आर्किटेक्चर्स के प्रोग्राम हैं, कंप्यूटर साइंस है, बीसीए है, एमसीए है, इन सभी विषयों में जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने जो अपने जो बदलाव किए थे पाठ्यक्रमों में, अपनी विभिन्न मीटिंगों में, उन मीटिंगों में जो बदलाव किए थे उनको भी आगे बीओजी के लिए जो है अकादमिक काउंसिल ने जो है इसको अनुमोदित किया और महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया। हमारे हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने की जो हमारी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थी उसने ये पारित किया था कि हमने हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का अपना शोध केंद्र पीएचडी प्रोग्राम के लिए शुरू करना है। इसमें थोड़ी हमारी तकनीकी कुछ कमियां जो थी वो नज़र आ रही थी, जो हमारे यूजीसी के मानक थे उनकी दृष्टि से जो नहीं पूरे कर पा रहे थे और हम उसको स्थापित नहीं कर पा रहे थे, तो उन कमियों को दूर करते हुए हमने उसका अभी ऑफ कैंपस की जगह हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय शोध केंद्र के नाम से हमने ये अनुमोदन किया है ताकि उन तकनीकी खामियों को भी साथ में पूरा किया जा सके। हम शोध को बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में विभिन्न महाविद्यालयों में जहाँ पर पीजी कोर्सेज भी चल रहे हैं वहाँ पर भी एक ऑप्शन हमने रखी है कि जो पूरी मान्यताओं को पूरी अपने कंडीशंस को पूरा करते हों, यूजीसी के मानकों पर खरा उतरते हों, उन सारे के सारे महाविद्यालयों को अब हम इसके लिए कंसीडर करेंगे। हमारी टीम विजिट करेगी और साथ ही साथ जो टीम का जो अनुमोदन होगा वो उसमें रिसर्च केंद्र जो शोध केंद्र स्थापित करने में जो है वो मदद करेगा। इस बैठक में प्रोफेसर एसपी बंसल कुलपति, बच्चन सिंह कुलसचिव, प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल डीन, प्रोफेसर डीपी तिवारी, प्रोफेसर एमके झा, प्रोफेसर राजकीय अवस्थी, प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया, डॉक्टर एमएस अशावत, सुनील वर्मा तथा डॉक्टर आशीष अरोड़ा इत्यादि शामिल रहे।